करेगा करेगा जो उनके मुखिया कहेंगे, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं, अपनी मर्जी से वो कहते हैं पिछड़ों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, पिछड़ों की कोई यहाँ पूछ नहीं है, पिछड़े मारे जा रहे हैं, अकेले में तो ये बोलते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें नौकरी करनी है तो उनकी भाषा बदल जाएगी। आप छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या, नाम क्या तुम्हारा? नहीं नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। आप ये बताइए, बलवंत सिंह हत्या हो गया, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिलवा सकते हो आप? बोलिए। हमसे आरोप लगाते थे कि एक जाति एक धर्म के लोग हैं, उनको विशेष मदद होती है, बताओ आप दिला पाओगे उनकी मदद? तो जो असली मुद्दे हैं उन पर बहस ना हो, आपके मिसाइल बननी थी, आप एक कल स्टोरी करिए कि मिसाइल नहीं बन पाई झांसी में, आप नौकरी से निकाल दी जाओगे, आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने ये स्टोरी कर दी कि डिफेंस कॉरिडोर में डिफेंस के नाम पर एक रुपया झांसी में नहीं आया, इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर ये अपॉइंटमेंट पे कर दें स्टोरी के यहाँ पर जो वाइस चांसलर दूसरे प्रदेश से आए हैं, वो भी शायद आरएसएस से जुड़े आए हैं, अगर स्टोरी कर दें ये तो इनकी नौकरी छिन सकती है। इसलिए इस बात पे मत पड़िए, असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर बहस नहीं करना चाहती। चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर महंगाई है, न्याय की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। डिफेंस एक्सपो किया, इन्वेस्टमेंट मीट की, विदेश मंत्री भेजे, अब फिर रोड शो करने जा रहे हैं 24 से पहले, केवल जनता को धोखा देने के लिए। न नौकरी है, न रोज़गार है और न इन्वेस्टमेंट आया। झांसी में ये बताइए इन्वेस्टमेंट क्या आया है, ललितपुर में इन्वेस्टमेंट क्या आया है, उरई जालौन में इन्वेस्टमेंट क्या आया है, आपका बगल का इलाका कानपुर देहात, कानपुर नगर, आपका कंटोज, औरैया, इटावा, इधर आप चले जाइए बांदा, आपका चित्रकूट, क्या इन्वेस्टमेंट आया सरकार का बताएं हमें। स्मार्ट सिटी से 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, देखिए काम तो हो ही है। कितना? स्मार्ट सिटी के माध्यम से काम तो हो ही रहा। देखिए मेरे पत्रकार साथी, ठेका मिलना किसी को, बाजार किसी को देना इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये गलत फहमी मत रहना। नहीं नहीं आप ये गलत फहमी मत रहना, आप पहले इन्वेस्टमेंट समझिए।